जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, रविवार का दिन 2 जुलाई, आज भद्रा भी है, गंडमूल भी है, सर्वा सिद्धि योग भी है। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में 1:18 तक गोचर करेगा। उसके बाद चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में चला जाएगा। 1:18 के पहले ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जिसका स्वामी बुध है। 1:18 के बाद मूल नक्षत्र होगा जिसका स्वामी केतु है। शुक्ल योग है, बुध और केतु का प्रभाव राहु की छाया, शुक्र और शनि की दृष्टि है। दिन तो बहुत अच्छा है, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जीवन की गति तेज गति से आगे बढ़ेगी और आपके करियर व्यापार में बड़ा लाभ का योग बन रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना आवश्यक है, आज भद्रा भी है, गंडमूल भी है, यानी भद्रा जो रात 8:21 पर आरंभ होगा, आपके लिए ये जो समय है ये अच्छा नहीं कहलाता है। तो आप रात्रि 8:21 के बाद कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें। आज ये तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की जो दशा है बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। आपकी कुंडली को देखें तो आपकी कुंडली का सप्तम भाव बृहस्पति और राहु, ये 2 ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति भी लग्न को देख रहा है, राहु भी लग्न को देख रहा है और लग्न में केतु बड़ा बलवान होकर गोचर कर रहा है। वहीं आपकी कुंडली का पंचम भाव शनि का गोचर हो रहा है। कुंडली का तृतीय भाव चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर है जहां पर सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है। कर्म स्थान में शुक्र बैठा है और मंगल आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। अगर ग्रहों को देखें तो बुध आपके भाग्य का स्वामी है, शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, मंगल आपके धन भाव का स्वामी है। तो ग्रहों की दशा जो आपकी कुंडली में है आपके लिए तरक्की का रास्ता खोल रहा है। अब तरक्की कैसे पाना है, जीवन में क्या करना है, यह अब आपको सोचना है। अपने जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, सुख अर्जित करना चाहते हैं तो अपने कर्म पर आप ध्यान दें, क्योंकि बुध जो है वो शनि के साथ नवम पंचम योग बना रहा है, यानी शनि के पंचम घर में बुध बैठा है और बुध के नवम घर में शनि का गोचर हो रहा है। तो शनि और बुध दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। शनि जब बुध को प्रभावित करता है तो आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होता है और मेहनत के अच्छे नतीजे भी आप पा लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज ज्येष्ठा नक्षत्र 1:18 बुध का प्रभाव और मूल नक्षत्र केतु का प्रभाव, साथ ही चंद्रमा 1:18 के पहले धन भाव में, 1:18 के बाद पराक्रम भाव में, यानी आपके जीवन में दिन भाग्य की प्रबलता से आरंभ होगा।
शुभ समाचार का योग लेकर आएगा। कोई नया काम आपके जीवन में होगा, परिवार में आनंद का माहौल बनेगा, नौकरी व्यापार आपकी अच्छी चलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान भी आपके बढ़ेंगे और आपकी जीवन में खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में जिस कार्य के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे, वो कार्य अब आपके पूरे होंगे। लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है, नए कार्य का शुभ आरंभ होगा, तो आपके जीवन में सब कुछ बड़ा शुभ और अच्छा रहने वाला है। तुला राशि वालों, बुध और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो आकर्षण भी बढ़ाते हैं, प्यार का भी सुख देते हैं, उमंग उत्साह को भी बढ़ाते हैं, तरक्की के रास्तों को भी खोलते हैं, तेजस्वी भी बनाते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण भी करते हैं, महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी करते हैं, अच्छे अवसर भी देते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। केतु में बड़ा उत्साह होता है, केतु में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है और बुध आपके जीवन को सही दिशा देता है, भाग्य का स्वामी जो है, और शुक्र शनि की दृष्टि में आपके जीवन में कुछ बेहतर काम होते हैं, अपने शत्रु को आप पराजित करते हैं, धन संपत्ति अर्जित करते हैं, यानी समय आपके लिए बेहद ही लाभ का है, जिसमें जीवन की बाधा खत्म होती है, तरक्की आरंभ होता है, सुख धन आप पाते हैं और किस्मत के बड़े धनवान भी होते हैं। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि है, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है, चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है, यानी आपकी एनर्जी आपके जीवन में सही दिशा में अगर लग जाए तो जीवन बड़ा यशस्वी वैभवशाली हो जाता है, परिश्रम का फल भी आपको प्राप्त होता है और कठिनाइयों पर विजय भी आप प्राप्त कर लेते हैं, यानी स्थिति आपकी बदलती है, जीवन की चिंताएं दूर होती है, अचानक धन भी मिलता है, खुशी और सौभाग्य लाभ का योग बनाता है, निराशा आपकी दूर होती है, कार्य सिद्धि का योग है, सुख समृद्धि का योग है, तो आत्मविश्वास तो आपके बढ़ेंगे, जीवन में खुशहाली तो आएगी और जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग, 2 जुलाई रविवार का दिन, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। भाग्य पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास से काम करें। सर्वा सिद्धि योग में 1:18 के बाद का समय आपके लिए बड़ा शुभ होगा। शुक्ल योग है, ज्येष्ठा नक्षत्र का बुध, मूल नक्षत्र का केतु, चंद्रमा के प्रभाव से आपके जीवन का सुख आपको देगा, आपके स्वाभिमान को बढ़ाएगा, भाग्य की प्रबलता और शत्रु से आपको बचाएगा। अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करें, अपनी प्रतिभा को निखारें, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, निश्चित ही आपके जीवन में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपके लिए बड़े लाभ सौभाग्य धन का अवसर भी प्राप्त होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त 4:07 से 4:47 ये सुबह का समय है, मनोबल को बढ़ाता है, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है, जीवन में खुशियां लेकर आता है, तो दिन की शुरुआत तो अच्छी हो रही है। सर्वा सिद्धि योग 1:18 जब चंद्रमा पराक्रम में बैठकर भाग्य को देखेगा तो सर्वा सिद्धि योग में बड़ा सुख आपको प्राप्त होगा। शाम 5:27 रवि योग आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:57 शुक्र और शनि की दृष्टि से जीवन में पुनः सुख बढ़ने लगेगा, लाभ होगा, धन का आगमन होगा और विजय मुहूर्त 2:44 के बाद सफलता का, कामयाबी का, अच्छे अवसर का
आपको प्राप्ति होगी। लेकिन आज भद्रा है, रात 8:21 के बाद है, तो भद्रा में शुभ काम न करें। आज राहु काल शाम 5:39 से 7:23 किसी भी नए काम का शुभारंभ न करें। राहु काल और भद्रा को छोड़ दें तो आज का दिन आपके लिए तरक्की समृद्धि भरा होगा। पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 4 होगा। कुंभ राशि वालों, राशिफल देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आपकी समस्या क्या है, आपकी जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है। हो सकेगा तो उन परेशानियों का मैं उपाय भी आपको बताऊंगा और बचने का तरीका भी बताऊंगा। तो तुला राशि वालों के लिए बड़ा भाग्य का, लाभ का, सुख का, धन का योग बन रहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। धन, वैभव, सत्ता सब कुछ आपको प्राप्त होगा। सफलता, कामयाबी की प्राप्ति होगी। आप भाग्यशाली बनेंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, स्थिति मजबूत होगी, सुख मिलेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।